वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ चावल के आटा और आलू से एक बहुत अच्छा नाश्ता बनाने स्नैक। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं चावल के आटे ले रखी हूँ, तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं गैस पर पानी बैठा रखी हूँ और पानी बैठा रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, गोटा जीरा, थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। तो क्या है फ्रेंड्स मैं पानी को पूरा अच्छे से फूटने देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा पानी फूट गया है, तो मैं क्या करूंगी ये मेरा जो चावल का आटा है थोड़ा थोड़ा देके इसमें यहाँ देखिए, और मैं क्या कर रही हूँ इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि मेरा जो ये है तो सूख गया है अच्छे से। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसको कि गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं क्या की हूँ, इसको प्याले में डाल के इसको ठंडा कर ली हूँ। तो ये मेरा ठंडा हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगी कि इसमें दो बड़े बड़े आलू क्या की हूँ बॉइल करके रखी थी मैश करके इसको, तो इसको इसमें डाल देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स कि अब इसमें मैं डालूंगी नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स क्या है कि अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी ये मैदा, एक चम्मच के हिसाब से थोड़ा सा ही मैदा डाली हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं इसको बहुत सिंपल सा रेसिपी बना रही हूँ, जैसे कि इसमें थोड़ा सा मिर्ची और नमक और उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स कि मेरा हाथों में चिपकेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ऑयल लगा ली हूँ, तो मैं क्या करी हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और एक अच्छा साइज को मिक्स करके इसका एक बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ज्यादा गर्म है इसलिए ज्यादा मिक्स करने प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ देखिए इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स क्या की हूँ हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा ली हूँ, ऑयल लगा के इसका छोटे छोटे बाइंड ले रही हूँ। और बाइंड लेके इसको क्या कर रही हूँ मैं इसको गोल गोल कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा हो रखा है गोल गोल, तो मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको चाहे तो लंबे शेप दे सकती हैं या गोल दे सकती हैं, आपका इच्छा जो तरह से देना चाहे उस हिसाब से दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से यहाँ देखिए मैं सारे को कर ली हूँ। यहाँ देखिए दो प्लेट में कर रखी हूँ, अलग अलग रखी हूँ कि चिपके ना इसलिए। तो चलिए इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं गैस पर कढ़ाई में तेल बैठा रखी हूँ गर्म होने के लिए। तो क्या है फ्रेंड्स कि मेरा ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से, तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक एक पीस को इसमें डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं गैस को हाई रख रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये अंदर से पका हुआ है, तो आलू भी और चावल भी इसलिए। तो यहाँ देखिए मैं एक साथ में एक मसाला डाली हूँ और मैं डालकर इसको नीचे से अच्छे से ब्राउन होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं टच नहीं करूंगी क्योंकि मेरा जो ये है तो अच्छे से पहले नीचे से पक जाए तब मैं टच करूंगी इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या है मेरा पकौड़ा हो गया है, तो मैं पकौड़ा को निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तो मैं तेल से सारे पकौड़ों को निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगी जो मेरा बाकी का बच्चा है मैं उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा नाश्ता बनके रेडी है, बहुत सिंपल सा रेसिपी था चावल और आलू से। आप जरूर एक बार ट्राई करें इस रेसिपी को। और फ्रेंड्स ऊपर से बहुत फ्रेंड्स बहुत क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही नरम है। बहुत गर्म है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, फिर भी तोड़ के दिखा रही हूँ रुके, क्योंकि गर्म है इसलिए नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सा बन के रेडी है, आप घर में एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और वीडियो अच्छी लगने से वीडियो